आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे अपने घर के डॉग के लिए डॉग हार्नेस कैसे बनाना है। दोस्तों डॉग को कंट्रोल करने के लिए हम उसके गले में एक बेल्ट बांधते हैं। अब इसी तरह का बेल्ट होता है वो गले में भी बांधा जाता है और उसका कुछ हिस्सा आगे वाले पैर से पीछे तरफ से बांधा जाता है, उसको कहते हैं डॉग हार्नेस। इसके पहले दोस्तों डॉग लेस कैसे बनाना है इसके ऊपर एक एपिसोड बना हुआ है, आपने अगर देखा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दी, वजह कि आप देख सकते हो सीख सकते हो। और इस एपिसोड के लिए कमेंट्स की थी आशीष बंदे, तो इस भाई को धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुकमानट्स यूट्यूब चैनल के आज के डॉग हार्नेस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों सुंदर और डिजाइनर डॉग हार्नेस बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह के सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें मुख्यतः कुछ रस्सियां है और एक छोटी सी रिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं रस्सियों के बारे में। अब देख पा रहे हो नीले कलर की रस्सी है, इसकी लंबाई है 18 फीट और मोटाई है 8 mm। अब जो हम डॉग हार्नेस बनाने जा रहे हैं इस रस्सी के माध्यम से पूरा बना लेंगे, अपने डॉग के ऊपर बढ़िया से सेट कर देंगे। जब वो हार्नेस कंप्लीट हो जाए, सेट हो जाए बढ़िया से, उसके बाद ये जो सफ़ेद कलर की रस्सी आप देख पा रहे हो इसकी मोटाई है 1 mm। अब लंबाई की बात करें तो मैंने यहाँ 14 फीट लंबाई का टुकड़ा लिया हुआ है, पर इससे ज़्यादा हमें रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। पर हमने क्या किया, रस्सी ज़्यादा अगर लेते हैं तो उसके अंदर ट्विस्ट ज़्यादा आती है, उलझने ज़्यादा आती है, उसको सुलझने में हमें समय लगता है, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है। ये टुकड़ा खत्म होने के बाद हम इसी रस्सी का दूसरा टुकड़ा लेंगे और बुनाई आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप समझ गए होंगे इस रस्सी का हार्नेस बनाएंगे और सफ़ेद कलर के रस्सी से हम इसके ऊपर सुंदर और डिजाइनर बुनाई करेंगे। उसी तरह से इसके बीच में डॉग हार्नेस बनाने के समय हम इसके बीच में एक छोटी सी रिंग सेट कर देंगे। अब इसका काम क्या है आपके समझ में आ गया होगा। जी हाँ, जहाँ हम डॉग हार्नेस के ऊपर डॉग लेस अटैच करेंगे तो इस रिंग के अंदर अटैच करेंगे। ये रिंग आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट जो डॉग हार्नेस बनाएंगे उसके ऊपर भी उसको अटैच कर सकते हो। रस्सियों के साइज के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया ऐसा मानकर हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉग हार्नेस कैसे बनाना है। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं नीली रस्सी, और रस्सी लेने के बाद रस्सी का एक हिस्सा लगभग 5 फीट लंबा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो देखिए स्केल रखी हुई है, यहाँ नापते हुए हम 1, 2, 3, 4 और ये 5 फीट हिस्सा हमने अलग छोड़ दिया, यहाँ 5 आया था। अब इसका दूसरा हिस्सा ले लेते हैं। देखिए ये दूसरा हिस्सा लिया, इसके साथ यहाँ पकड़ लिया और पूरे रस्सी को पीछे तरफ डबल कर लेना है। डबल करने के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक सेंटर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये मिलने के बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 फीट एक्स्ट्रा इस तरफ छोड़ना है। तो ये देखिए 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2 फीट एक्स्ट्रा छोड़ दिया। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, पहले तो वीडियो को स्किप करते हुए नहीं देखना है, और दूसरा जो हिस्सा हमने 5 फीट एक्स्ट्रा छोड़ा था वो हिस्सा अपने तरफ आना चाहिए, ना कि सामने तरफ। तो ये सामने हुआ और ये अपना हुआ, तो देखते हैं पहले 5 फीट लंबा हिस्सा कौन सा है। देखिए दोस्तों ये 5 फीट लंबा हिस्सा है, इसको लेते हैं अपने तरफ, यहाँ ये हिस्सा 5 फीट लंबा है तो इसको अपने तरफ लेते हैं, ये हिस्सा है। अब क्या करना है, यह लगाएंगे 3 सिरे वाली गठान। तो कैसे लगाना है देख लीजिए, जो सामने वाला हिस्सा है इसको इस तरह से एक छोटा सा लूप बना लेना है। ये लूप बन गया दोस्तों, ये बनने के बाद यहाँ पकड़ लिया, इस तरह से हाथ में भी पकड़ सकते हो। ये पकड़ने के बाद अब बचा दूसरा हिस्सा जो अपने तरफ था, ये सबसे लंबा हिस्सा है। तो जैसे हमने एक हिस्से का छोटा लूप बनाया तो दूसरे हिस्से का थोड़ा बड़ा लूप बनाना है, इस तरह से एक बड़ा लूप बना देना है, जिससे क्या होगा यहाँ एक बहुत ही बढ़िया तरीके का सिरा बन जाएगा। इसको उठा के इस तरह से रख दिया, ये होने के बाद जो हिस्सा हमने बड़ा रखा है उसको पीछे तरफ खींचना है, यहाँ ये खींच दिया, ये खींचने के साथ देखिए ये हिस्सा थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ इस तरह से ये हो गया। उसी हिस्से का सामने वाला हिस्सा पकड़ लेना है और यहाँ से डालना है, ऊपर से डालना है और नीचे तरफ निकलते हुए सामने निकाल देना है, ये निकल गया। और जो हिस्सा हमने शुरुआत में छोटा लूप बनाया था ये वाला, इस लूप के अंदर इसी हिस्से को नीचे से डालना है और ऊपर तरफ निकाल देना है, इस तरह से ये निकल दिया दोस्तों। ये निकलने के साथ साथ अपनी 3 सिरे वाली गठन बनकर तैयार हो जाएगी। इसको बढ़िया से सेट कर देते हैं, एक बार मैं आपको नीचे तरफ गठन को पलटी करके दिखाऊंगा। देखिए कुछ इस तरह से ये 3 सिरे वाली गठन बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए 1, 2 और ये तीसरा सिरा, ये होगा दोस्तों। ये होने के बाद अब क्या करना है, सेम इसी तरह की गठन और एक लगाने सामने। तो क्या करना है, ये गठन को पहले थोड़ा हल्का टाइट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा सामने दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया टाइट। अब क्या करना है, यहाँ से लेकर आगे यहाँ एक गठन लगानी, कितना लगभग यहाँ से आधा फीट, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आधा फीट पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद वही प्रोसेस, सामने वाली रस्सी है इसका एक छोटा सा लूप बना दिया इस तरह से, यहाँ ये बनने के बाद जो
बड़ी रस्सी इसका एक बड़ा लूप बना दिया। बहुत आसान तरीका दोस्तों, बस वीडियो को स्किप करते हुए ना देखे ये पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद रस्सी को उठा के इस तरह से पकड़ लेना और सामने वाले सहिए इसको पकड़ते हुए पीछे खींच देना है। इस तरह से खींच दे पीछे। अब इसी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया, इसके ऊपर तरफ से आगे तरफ निकाल देना है और फिर इसी हिस्से को जो छोटा लूप था उसके नीचे से लगाना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, जो मैं दिख रहा आपको ध्यान से देख रहे हो, तो आपको ये बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और गठान को धीरे धीरे टाइट कर देना है जिससे उसका जो आकार है बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अब मैं आपको पलटी करा के दिखाता हूँ दोनों गठाने एक साथ। देखिए कुछ इस तरह से इनका जो आकार है बन गया है। अब इन दोनों गठनों में एक चीज़ कॉमन है, कौन सी? इसमें अगर ये तीन सिरे, एक दो तीन, तो इसमें भी ये सिरा कॉमन है। दोनों गठनों के लिए तीसरा सिरा कॉमन है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके का गठन है दोस्तों। ये लगने के बाद आप क्या करना है, यहाँ से जो हमने 2 फीट लंबा हुआ हिस्सा आगे छोड़ा था उस हिस्से की तरफ चलते हैं। इन दोनों हिस्सों को इस तरह से साथ में पकड़ लेना है। देखिए ये दोनों हिस्सों को ये साथ में पकड़ने के बाद, अगर ये हिस्सा ज़्यादा लंबा लगता है तो कोई बात नहीं, इसको हम छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा लगता है तो लंबा कर सकते हो, क्योंकि मेरा मकसद है आपको तरीका सिखाना। हो सकता है कि जो डॉग हार्नेस बनाने जा रहे हैं हम, ये जो साइज है ये आपके डॉग के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर बड़ी हो या फिर छोटी हो, तो आप इसी हिसाब से साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, कलर के से भी अलग अलग ले सकते हो। मेरा मकसद आपको तरीका सिखाना। तो चलिए आगे वाला तरीका क्या है, देखिए इन दोनों को इस तरह से पकड़ लिया। अब यह एक छोटी सी चीज़ है या फिर छोटी सी जो बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है, हमने जब ये दोनों गठन लगाई थी तो इनकी जो पोजीशन थी इस तरह से थी, पलटी थी। हमने क्या किया, उनको पलटी मार दिया। पलटी मारने के बाद गठनों की जो तीन हिस्से वाले ये जो आकार है ऊपर तरफ आ गया। ये आने के बाद इसी तरह से इन दोनों को पकड़ लेना आगे, इस तरह से ये पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद इसको इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है दोस्तों, जो बड़ी है। ये डालने के बाद इन दोनों के बीच में से पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ लिया, दोनों के बीच में से ऊपर ले लेना है। ऊपर लेने के साथ साथ अब क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है। पर उसको डालने से पहले क्या करना है, ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको यहाँ एक आटे दे देने, इस तरह से डबल, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इस तरह से डबल देने के साथ क्या होगा, फिर इसके अंदर से रस्सी को डाल देना है। अब हमने ये आटे क्यों दी आपके समझ में आ जाएगा, और नहीं है तो मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा क्यों हमने इसके अंदर आटी दी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम गठान को बढ़िया से टाइट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं गठान को टाइट करने के बाद कुछ इस तरह का आकार बन जाता है। और सामने जो दो राउंड लिए हुए उससे क्या हुआ है, पीछे रस्सियों की दो जोड़ी, यहाँ भी दो जोड़ी, इसी हिसाब से गठान का जो लुक है, गठान की जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने सामने भी दो जोड़ी टाइप का बना दिया, जिससे क्या हुआ अपनी गठान मजबूत भी होगी और सुंदर भी होगी। ये होने के बाद क्या करना है, हार्नेस को करते हैं पलटी। पलटी होने के बाद अब आते पीछे, क्योंकि ये मुंह का हिस्सा बन गया दोस्तों, यहाँ से जाएगा डॉग का मुंह। अब आते पीछे वाला हिस्सा, जहाँ चेस्ट या फिर पेट का हिस्सा, तो देखिए यहाँ जो एक लूप बना हुआ है ये वाला हिस्सा, ये इसको क्या करना है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि गर्दन के पास क्या होता है, हिस्सा छोटा होता है, और जो आगे वाले दो पैर होते हैं उनके जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो पेट का हिस्सा, रिब्स का हिस्सा, वो थोड़ा बड़ा होता है। उसी हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ की जो साइज है कम या फिर ज़्यादा करनी है। तो हम थोड़ी इसको साइज को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ कैसे बनना है। तो देख सकते हैं लूप को थोड़ा बड़ा बना लिया है। ये होने के बाद आप क्या करना है, जो सामने वाला हिस्सा है गर्दन के तरफ वाला ये हिस्सा, ये वाला देखिए, इसको इस तरह से पकड़ना है। अब इसकी जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए देख लीजिए। गठान का जो नीचे वाला हिस्सा, देखिए जो उठा हुआ हिस्सा, वो होना चाहिए नीचे तरफ, मतलब जब हम डॉग को सामने से देखेंगे तो हमें ये दिखाई देना चाहिए। इसी हिसाब से इसको पलटी मारते रख देना है और इसको इस तरह से ऊपर उठा लेना है। ये होने के बाद ये जो हिस्सा है सामने हमने छोड़ा था एक्स्ट्रा वाला, इसको क्या करना है, इस तरह से एक पलटी मार देनी यहाँ और ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, ये पकड़ लिया। अभी पकड़ने के साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमने रिंग देखी थी इस रिंग को इसके अंदर अटैच कर देना है। तो ये रिंग ले ली, ये रिंग लेनी है। अब क्या करना, दोबारा इसको खोल लेते हैं। ये खोल लिया, रिंग को इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पकड़ लिया इस तरह से और इसको उठा लिया। देखिए रिंग इसके अंदर सेट हो गई। ये रिंग सेट होने के बाद अब क्या करना है, जो हमने लूप अभी बड़ा किया था ये वाला, इसको पकड़ना है और इस तरफ से डालते हुए इस तरफ निकल लेना है, पुराने निकलना है जितना हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो हिस्सा है पेट के एक तरफ का हिस्सा है, अब दूसरा हिस्सा इस तरफ से बनाएंगे। तो ये हिस्सा पहले यहाँ टाइट कर लेते हैं। रिंग को आप चाहे तो इस तरह से घुमा घुमा कर ऊपर तरफ लेके आ जाइए, या फिर पीछे तरफ रखने से भी चल जाएगा। ये वाला हिस्सा बढ़िया से
दोनों तरफ के दो हिस्से बराबर मात्रा में सेट कर दीजिए। ये हो गए सेट इसके अंदर, ये सबके समझ में आ गया होगा। ये होगा दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। अब लेते हैं जो पीछे वाला हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्सा इस तरह से इस तरफ आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, ये हिस्सा लेते हैं जो इधर वाला हिस्सा है पेट के एक तरफ वाला, तो दूसरी तरफ वाला हिस्सा बनाना है, तो उसी हिसाब से इसका नाप तोल करना है। इस तरह से बराबर नाप लेना है, यहाँ तक आ गया। यहाँ लगाएंगे एक टॉपर नोट, क्योंकि दोस्तों ये जो डॉग हरने से इसके अंदर हम गठाने लगाकर उसको बांधेंगे या फिर खोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे, सीधा एक स्टॉपर नट को खोल दिया या फिर निकाल दिया, जिससे क्या होगा, जैसे हम शर्ट के बटन लगाते हैं तो उसी तरह से यहाँ भी एक बटन टाइप या फिर स्टॉपर नट बनाएंगे। कैसे बनाना है देख लीजिए, ये पकड़ लिया, ये पकड़ने के बाद इसको पकड़ना है इस तरह से पलटी, ध्यान देकर देखिए दोस्तों बहुत आसान गठाने। ये पलटी पकड़ लिया, इसी का सामने वाला हिस्सा, ये जो सामने हिस्सा है इसके नीचे डालना है, ठीक है, और इसके नीचे से ऊपर तरफ निकाल देना है, ठीक। ये निकाल दिया, दोबारा एक बार देख लीजिए, दोबारा बताता हूँ, देखिए यह पकड़ लिया छोटा सा हिस्सा, इस तरह से पीछे पलटी मार देना है, एक लूप बन गया। लूप बनने के बाद ये हिस्सा सामने वाले हिस्से के नीचे से लेना है, इस तरह से नीचे लिया और इस लूप के नीचे तरफ से डालते हुए ऊपर तरफ निकाल देना है। इसी तरह से जो सामने वाला हिस्सा इसको भी इसके नीचे से लगाना है, इस तरह से नीचे लगा दिया और ऊपर निकाल दिया। निकालने के साथ साथ जो इसका लूप बना है पीछे वाला, इसके नीचे से लगाना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। ये निकालने के बाद ये पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको इसके ऊपर यहाँ बिठा देना है और हल्का हल्का टाइट करते हुए चलना है, इस तरह से देखिए। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ एक स्टॉपर नट टाइप की बन जाएगी, इस तरह से बन गई। ये नोट्स बनने के बाद ना तो ये खुलेगी और ना ही आपस में खिसकेगी, ये हो गया। अब आते हैं दोबारा पीछे तरफ पे। अब मैं आपको थोड़ा इसको सजा कर दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये पकड़ लिया, अब देखिए जो सामने वाला हिस्सा, जो मेरा हाथ है, ये वाला हाथ, ये मान लीजिए डॉग का मुंह है, इस तरफ मुंह बाहर निकल जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा उसके गर्दन से होते हुए पीछे तरफ आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अगले दोनों पैरों के बीच में से पीछे आएगा और ये हिस्सा पेट के दोनों तरफ से ऊपर तरफ आएगा, इस तरह से ये ऊपर तरफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉपर नट हमने बनाई, ये जो लूप पेट के एक तरफ से ऊपर तरफ आ रहा है इसके बीच में से, इसके अंदर यहाँ डाल देंगे ऐसे और ऊपर तरफ निकाल देंगे। ये निकालने के बाद इस लूप को पीछे हल्का हल्का टाइट कर देंगे, इस तरह से, ठीक। ये टाइट होने के बाद ये यहाँ पलटी हो गई है, हम इसको क्लियर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस तरह से देखिए इसको पीछे टाइट कर देना है, इसको नीचे टाइट कर देना है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये होने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो स्टॉपर नट है यहाँ अटक गई है इसके अंदर, इसको साइड कर दे, देखिए स्टॉपर नट यहाँ अटक गई है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसके आगे वाले हिस्से के अंदर स्टॉपर नट अटक गई है। अब यहाँ डॉग लेस का जो आगे वाला हुक होता है उसको लगाएंगे और डॉग को हम कंट्रोल कर लेंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा बचा हुआ है, देखिए दोस्तों मैं जब भी रस्सी का नाप तोल देता हूँ, रस्सी की जो साइज़ देता हूँ थोड़ी बड़ी देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपसे गलती हो जाए या गठन मारने में कभी ढीले रह गई या फिर एक्स्ट्रा गठन आपने लगा दी तो उसमें रस्सी कम नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए ये रस्सी आप एक्स्ट्रा मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, क्योंकि डॉग छोटा है कि बड़ा है उसी हिसाब से रस्सी का चुनाव को करना होगा। तो देखिए रस्सी आप यहाँ काट कर अलग कर सकते हो, तो देख सकते हो दोस्तों डॉग हरनेस बनकर तैयार हो चुका है, बस इसके ऊपर बुनाई करना बाकी है। बुनाई शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, डॉग हार्नेस बनाने के बाद अब अपने डॉग के ऊपर इसको बढ़िया से सेट करके देखिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। जब डॉग को कंफर्टेबल डॉग हार्नेस बनकर तैयार हो जाएगा तब आप इसके ऊपर बुनाई कर सकते हो, क्योंकि बुनाई होने के बाद उसके ऊपर आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ डॉग हार्नेस डॉग को कंफर्टेबल तरीके से आप सेट करने के बाद ही उसके ऊपर बुनाई करनी। बुनाई करने के लिए लेते हैं सफेद कलर की रस्सी, रस्सी के एक तरफ इस तरह से निडल को अटैच कर देना है और दूसरे तरफ को इस तरह से खाली रखना है। अब शुरुआत किस तरह से करनी देख लीजिए, ये जो हिस्सा है इसको डाल दिया इसके नीचे तरफ से डाल दिया, ये डालने के बाद ये जो हिस्सा है इसको इस तरह से पकड़ लिया ऐसे, ध्यान देकर देखिए दोस्तों, जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करो, ये हो गया। अब इस हिस्से को इसके साथ एक राउंड लेना इस तरह से, ये राउंड ले लिया और पीछे तरफ लेना, इधर एक राउंड पूरा ले लेना, इसको बढ़िया तरीके से सेट कर देते हैं ये इस तरह से। अब बुनाई क्या होगी दोस्तों, रस्सी के इस तरफ से बुनाई होगी और दूसरे रस्सी के इस तरफ से बुनाई होगी, दोनों तरफ से बुनाई चलेगी,
देखिए इसके ऊपर इस तरह से राउंड ले लिया और रस्सी को यहाँ पकड़ लिया, ठीक। एक तरफ का हो गया, अब रस्सी के दूसरे तरफ आते इस तरह से पलटी मारते हुए, पलटी मारकर दूसरे तरफ आ गए। उसके बाद अब लेते हैं निडल, ये सुई, इसको डालना है इस तरह से अंदर तरफ, इस सफ़ेद रस्सी के नीचे से डाल दिया। डालने के बाद इसके नीचे तरफ से लेना है इस तरह से और पूरे रस्सी को बाहर खींच देना है। देखिए रस्सी पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। ये होने के बाद यहाँ एक आटी लग गई है, बहुत ही बड़े तरीके से आटी लग गई दोस्तों। इसको इस रस्सी के सेंटर में रखना है, आटी को ना ऊपर और ना ही ज़्यादा नीचे जाने देना है। इस तरह से ये भी बढ़िया तरीके से पकड़ के रख दीजिए। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, एक बार दो तीन स्टेप आगे चले गई तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। ये रस्सी दोबारा क्या करना है, इस तरह से आई थी इसको वापस ले चलना है इधर नीचे। नीचे क्या है, इसको दोबारा इस तरह से पलटी मार दिया और ऊपर वाले हिस्से के पास दोबारा आ गई। ये यहाँ पकड़ लिया अंगूठे से। यहाँ पकड़ने के बाद इस पूरे रस्सी को इसके यहाँ से निकलना है इस तरफ से। तो रस्सी पहले सुई निकलते, रस्सी को पूरी तरह से आप खींच के बाहर कर देते इस तरह से। देखिए ये रस्सी आ गई यहाँ। ये आने के बाद इस तरह से अब क्या करना है, जो सामने वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों के पीछे से सुई डालनी है इस तरह से और पूरे रस्सी को क्या करना है, बाहर खींच देना है। यहाँ ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से किया, इसको पीछे रखना है और इसके ऊपर से लेना है इस तरह से। देखिए बुनाई का काम शुरू हो चुका है, ये कर लिया। फिर इसको यहाँ पकड़ते हुए इसको हल्का टर्न किया, पीछे वाले हिस्से के पास आ गए। दोबारा निडल ली, इसके और इसके पीछे से यहाँ से डालनी है निडल, इन दोनों के बीच में। देखिए दोनों के बीच में आ गई और पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। बहुत आसान तरीका दोस्तों, बस ध्यान देकर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ आपके काम की है, जो चीज़ काम की नहीं है मैं आपको दिखाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं होता है, समय मेरे पास भी नहीं होता। तो चलिए ये हो गया। ये होने के बाद दोबारा इसको इस तरफ पकड़ लेना है ऐसे। अब जैसे हमने पूरे रस्सी को इसके अंदर से पलटी मारते हुए इस तरफ निकाला था, उसी तरह से या इसको एक साथ पकड़ लेते और इस तरफ निकालते साइड कर देते यहाँ, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पकड़ लिया। फिर से वही जो सामने हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये सामने वाला हिस्सा, इसके पीछे तरफ से निडल को डाल देना है और बाहर निकालना है इस तरह से। देखिए दोनों के बीच में यहाँ से डालते हुए निडल को बाहर कर दिया, पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई यहाँ शुरू हो चुकी है। फिर इसको इस तरह से टर्न किया, पीछे वाले हिस्से के पास आए, दोबारा उसी तरह से सामने वाले दोनों हिस्से के पीछे तरफ से सुई को डालना है कुछ इस तरह से। देखिए डाल दिया और सुई को बाहर निकालते हुए पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। ये पूरे रस्सी को खींचते हुए हमने क्या कर दिया, इस तरह से बाहर कर दिया। बाहर करने के साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे बुनाई इस तरफ से चल रही उसी तरह की बुनाई दूसरी तरफ भी शुरू हो चुकी है। बस आपको ध्यान देकर देखना है, स्टेप को मिस नहीं करना है। फिर ये रस्सी यहाँ से आ गई, यानी एक बार पलटी मार के पीछे आ गए, पूरे रस्सी को बाहर करते हुए दूसरी तरफ डाल दिया, फिर यहाँ पकड़ लेना इस तरह से। ये हो गया। दोबारा वही यही स्टेप है दोस्तों, यही सीक्वेंस है। आपको जहाँ तक बुनाई करनी है वहाँ तक फॉलो करनी है। इन दोनों के पीछे से डालनी यहाँ से और बाहर निकाल देनी इस तरह से। रस्सी बाहर आ चुकी है, यह गठन बढ़िया तरीके से लग गई है। ये ठीक है, ये देखिए बुनाई इसी तरह से होगी, स्टेप वही है। दोबारा एक बार दिखाता हूँ, इसको आया यहाँ से पीछे तरफ लेके आ गए, घुमाया, फिर निडल ली, इन दोनों के पीछे तरफ डाल दी और पूरे रस्सी को खींचते हुए इस तरह से बाहर निकाल देना है। देखिए रस्सी बाहर आ चुकी है। बुनाई का तरीका बहुत ही बढ़िया है, दोनों तरफ सेम बुनाई चल रही है। आपके समझ में आ गया होगा बुनाई किस तरह से करनी है। मैं चाहता हूँ कि एपिसोड ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं आपको यहाँ तक की बुनाई दिखाऊंगा। अगर इस बुनाई के बारे में आपको सवाल है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो आप इस तरह की बुनाई यहाँ भी कर लीजिए, उसके बाद जो जो हिस्से आपके, ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से, उसके बाद यहाँ ये दो हिस्से, इन सब के ऊपर बुनाई करनी है। तो मैं इन सब के ऊपर एक बार बुनाई कर लेता हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा। बुनाई करने के बाद मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा कि जो अपना डॉग हारने से किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से वो मजबूत बनता है, कलरफुल बनता है। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और यूनिक तरीके की बुनाई के साथ अपना डॉग हारनेस बनकर तैयार हो चुका है। बस आखिरी में थोड़ी रस्सी कम पड़ गई है, तो मैंने सोचा
रस्सी कम पड़ने के बाद उसको किस तरह से ज्वाइन करना है और बुनाई कैसे कंटिन्यू करनी है एक बार मैं आपको दिखाऊं। तो चलिए, यहाँ रस्सी कम पड़ गई थी, वैसे बीच में भी रस्सियाँ दो तीन बार कम पड़ गई थी। देखिए यहाँ भी जो दो हिस्से आपको लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी रस्सी कम हो गई थी, यहाँ भी कम हो गई थी। तो इसी तरह से रस्सी को ज्वाइन कैसे करना है एक बार आप समझ लीजिए। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, रस्सी यहाँ कम पड़ गई थी, इसी रस्सी का मैंने दूसरा हिस्सा लिया हुआ है। देखिए ये पीस ले लिया। अब क्या करना है, ये रस्सी जिस तरफ से बाहर निकली है और जहाँ से अंदर घुसी, यहाँ देखिए यहाँ से अंदर गई है और यहाँ से बाहर निकली, जहाँ से अंदर गई है दूसरा पीस भी आपको वहीं से अंदर करना है इसी रस्सी के साथ साथ। तो मैंने इस रस्सी को इस तरह से पीस ले लिया और अंदर कर दिया। देखिए दोस्तों, अंदर हो गया। उसके बाद पूरे रस्सी को बाहर खींचते हुए निकाल देना है। कुछ इस तरह से रस्सी बाहर होने के बाद बुनाई कंटिन्यू करनी है। इसी तरह से इसके ऊपर ले लेना है, छोटा टुकड़ा साइड में छोड़ देना है, क्योंकि क्या होता है कभी गलती से झटका लग गया तो रस्सी बाहर नहीं आनी चाहिए, बाद में इसको हम काट कर अलग कर देंगे। दोबारा वही जो पहले वाली प्रोसेस थी उसी तरह से, मान लीजिए कि इसी रस्सी से हम बुनाई कर रहे हैं, रस्सी अपनी ख़त्म नहीं हुई ऐसा मानकर हम बुनाई का काम आगे शुरू करेंगे। इसके ऊपर ले लिया, फिर हल्का पलटी मार दिया, पूरे रस्सी को दूसरी तरफ ले लेते हैं। दोबारा वही इन दोनों के पीछे तरफ से डाल देना है इस तरह से, और शुरुआत में एक बार थोड़ा हल्का टाइट करना है, क्योंकि क्या होता है रस्सी अपनी पीछे ख़त्म हो गई थी, हमने अलग रस्सी का टुकड़ा ज्वाइन किया हुआ है तो वो खिसक के बाहर नहीं आए, इसलिए हम क्या करेंगे हल्का सा टाइट करेंगे। यहाँ पकड़ लिया इस तरह से और धीरे से इसको टाइट कर देंगे। देखिए फिर से वही, इसके ऊपर से ले लिया, इसको आटे देते हुए पूरे रस्सी को दूसरी तरफ लेके आ जाना है, ये हिस्सा साइड में कर देना है इस तरह से, फिर इन दोनों के पीछे तरफ से इस तरह से बुनाई करनी। देखिए दूसरे तरफ से भी हमने रस्सी को बाहर कर दिया है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि रस्सी को ज्वाइंट कैसे करना है और बुनाई काम कैसे कंटिन्यू करना है। तो बहुत आसान तरीका दोस्तों, तो बस मैं इसको पूरा यहाँ तक बुन लेता हूँ। यहाँ बुनने के बाद पूरे डॉग हार्नेस को एक बार मैं सेट करके दिखाऊंगा किस तरह से डॉग के ऊपर पहनना है ये बताऊंगा। तो चलिए फटाफट इसको मैं बुनाई कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली अपने डॉग हार्नेस की बुनाई पूरी हो चुकी है। जितनी भी रस्सियों के एक्स्ट्रा हिस्से थे मैंने काट कर अलग कर दिए कुछ इस तरह से, और उनको लाइटर की मदद से जलाकर फिक्स कर दिया है। बहुत ही बढ़िया और मजबूत तरीके का, यूनिक तरीके की बुनाई के साथ ये डॉग हार्नेस बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसको सेट किस तरह से करना है। तो जैसे मैंने यहाँ जो रिंग लगाई, रिंग के पास देखिए एक छोटा सा लूप छोड़ा हुआ है, लूप को आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे इस तरह से खिसका के, उसको टाइट या फिर ढीला कर सकते हो। ये होने के बाद दूसरे हिस्से के ऊपर यह एक नॉर्मल स्टॉपर नट लगा के रखिए। इस स्टॉपर नट को क्या करना है, इस लूप के नीचे तरफ से लगाना है और ऊपर तरफ लेके आ जाना है। और जो ये एक्स्ट्रा हिस्से आपको दिखाई दे रहे रस्सी की, ये इसको आप यहाँ से काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो। अगर आपके आपका जो डॉग हार्नेस है कंप्लीट बन चुका है, पूरे मतलब साइज का बन चुका है, तो आप इसको काट कर अलग भी कर सकते हो। ये होगा, ये गठान इसके अंदर डालने के बाद इसको हल्का पीछे टाइट कर देना है और गठान को नीचे तरफ से टाइट कर देना है इस तरह से। ये होने के बाद डॉग हार्नेस डॉग के ऊपर बढ़िया से सेट हो जाएगा, ना तो खुलेगा, और खोलने के समय क्या करना है इसको आगे खिसकाना है और गठान को इस तरह से यहाँ से निकल कर अलग कर देना है और ये खुल जाएगा। देखिए ये खुल गया दोस्तों। ये खुलने के बाद डॉग हार्नेस डॉग के ऊपर से आराम से आप निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया। देखिए इसके अंदर लगने के बाद इसको पीछे तरफ टाइट कर देना है, और ये जो रिंग लगी इसके अंदर डॉग लेस को लगाकर आप डॉग को कहीं भी घुमाने ले जा सकते हो या फिर उसको बढ़िया से अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो आप इसी तरह से डॉग हार्नेस बनाकर अपने घर में अपने घर के डॉग को पहना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा अपने घर के डॉग के लिए डॉग हार्नेस कैसे बनाना है। आपको ये डॉग हार्नेस कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए, बनाने में कुछ समस्या है वो भी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिए और कमेंट्स करते रहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड आपके कमेंट्स के ऊपर बने और आपका नाम एपिसोड के अंदर आ जाए। मिलता दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।